भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। तो भाइयों और बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना। सबसे पहले आपको कुछ खुशखबरियां देते हैं, जिनमें से एक ये है जो छिमा रानी बहन है सहारनपुर से आती हैं, उन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं कि गुड मॉर्निंग बेटा, यह मेरे देवर की बेटी महक जो है और इनका अभी 21 सितंबर को आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है। आप इसे चैनल पर जरूर दिखाना, मैं जनपद सहारनपुर के मुजफ्फराबाद ब्लॉक से आंगनबाड़ी पद पर हूं। तो आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी बहन के परिवार में इस समय खुशियां आई हैं, उनके जो देवर की बेटी है वो जो है यहां पर आप देख सकते हैं आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर उनका चयन हुआ है। तो ऑल इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही चलते हैं आगे, और भी आपको एक अगली भी जानकारी देती हैं। ये भी खुशी का ही माहौल है यहां पर भी, क्योंकि आपको हमने बताया था कि 15 सालों से अपनी मां को तलाश रहा था ये लड़का, और अब ये अपने घर तक पहुंच गया है। और इसका जरिया भी कौन बना, आंगनबाड़ी बहनें ही बनी। मैंने उस दिन दिखाया था, मैंने कहा था आंगनबाड़ी बहनों आप हर जगह हैं जो ऑल इंडिया से जुड़ी हैं, और इनकी मां भी क्या है आंगनबाड़ी ही थी। अब ऐसे में मैंने कहा था कि आप अपने क्षेत्रों की जहां कहीं भी आवाज जा रही है, अगर आपको पता है इनकी कहानी, आपको याद है कि मेले में 5 साल की उम्र में अपनी मां के साथ ये बिछड़ गए थे, तो आप जो है इन तक, इनके घर तक पहुंचा सकते हैं। काफी इन्होंने संघर्ष किया, 15 सालों तक ये घर से बाहर इधर उधर भटकते रहे, 5 साल की अवस्था में ये बिछड़े थे और अब 20 साल के हो चुके हैं और अब ये घर पहुंच गए हैं। जिस पर एक बहन है, इन्होंने जो है जानकारी भेजी है कि नमस्ते भैया जी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहजहां खातून और डिस्ट्रिक्ट इनका है देवरिया, ब्लॉक इनका है बनकटा, वहां की रहने वाली हूं और मेरी मदद से पप्पू यादव का सूचना उनके परिवार वालों तक पहुंचा, क्योंकि मेरा जो है रिलेशन यहां पर भटनी में था, जिसके कारण पप्पू यादव आज अपने परिवार वालों के पास में पहुंच गए हैं। तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि कम से कम वो अपने घर तक पहुंच गए हैं। अब इसीलिए देखो ऑल इंडिया से कहते रहते हैं कि जो भी बहने हैं सब चैनल से जुड़ी रहे, जानकारियों को डेली देखा करें, क्या पता आप सबके प्रयासों से कभी कोई ना कोई जो है अपने घर तक पहुंच जाए। अब इसमें देखो बहन की कितनी अच्छी भूमिका रही कि उन्होंने जो है वहां तक उनका रिलेशन था और भटनी में जहां के वह रहने वाले हैं लड़का, क्योंकि इसको और कुछ याद नहीं था, बस भटनी इसको याद था, कहां पड़ता है ये कुछ भी याद नहीं, क्योंकि 5 साल में मेले में अपनी मां के साथ ये गए थे और तब बिछड़े थे। अब इनको क्या पता हमारा कौन सा स्टेट है, कहां हम रहते हैं, भटनी कहां पड़ता है, वो तो खुदा ना खास्ता बिहार के बेचारे कुछ लड़के जो है इनको वहां से लेकर के साथ में चले आए और फिर इनको बता दिया इधर से चले जाओ, वहां से जो है आपको वो ऐसे मिल जाएगा। तब ये पूछते पाछते इधर उधर पहुंचे, तब कहीं जाकर के इन्होंने अपनी आप बीती बताई और किसी बहन के जरिए ऑल इंडिया के पास जब इनकी आवाज आई तो यहां से भी आवाज इनकी उठाई गई। खैर यहीं पर एक और गुमशुदा की आज तलाश की जा रही है, इनके बारे में भी आपको बताते हैं और फिर आपकी जो खबरें हैं उनकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। ये गुमशुदा है, इनकी तलाश है, नाम इनका अंदीप शर्मा है और पिता का नाम राजेंद्र शर्मा है, ग्राम इनका ताजपुर कुर्रा है और पोस्ट इनका दिलदार नगर है, थाना इनका भी दिलदार नगर है और जिला इनका गाजीपुर है। उम्र इस लड़के की 16 साल है, कद इसका 5 फुट है, होलिया गोरा चेहरा और इस तरह से यानी कलर गोरा है, चेहरा लंबा है, पहनावा और इस जो है स्कूल ड्रेस में गए थे, लेकिन फिलहाल के लिए जो स्कूल ड्रेस में गया है जरूरी नहीं कि वो मौजूदा समय भी उसी ड्रेस में मिले, तो वो तो एक जो है बस दे दिया जाता है सिंबल के तौर पर। तो लापता दिनांक इनका 22 सितंबर है, अभी अभी हाल ही का मैटर है 22 सितंबर का, आज 25 हो चुकी है तो 22 सितंबर को ये लापता हुए हैं। सूचना पहुंचाने वाले को उचित खर्चा दिया जाएगा, संपर्क नंबर भी सब दे दिए गए हैं, थाना अध्यक्ष का भी यहां पर, दिलदार नगर उनका यहां पर ये सब लिख दिया गया है। फिलहाल के लिए आप ऑल इंडिया को भी सूचित कर सकते हो, बाकी इनकी जानकारी दी ही जा चुकी है, आप उनसे जो है डायरेक्ट भी तलाश कर सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे ये बिंदु बहन है जो कि जौनपुर से आती है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज के समय में जब काफी लोग 50-50, 60-60 हजार वाली सैलरी पाकर के भी आराम से एसी की हवा खाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, जब लापरवाहियां बरतते हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हो ये एक मिसाल के तौर पर कार्यकर्ता बहन है। और ये आंगनबाड़ी बहन विकलांग होकर के भी अपने क्षेत्र के मासूम बच्चों की सेहत को सुधारने में लगी है और आप देख सकते हैं उनको एनआरसी में भर्ती करवा रही है ताकि उनकी स्थितियों में सुधार हो। और इन्होंने 4-5 बच्चों को
अपने वहां पर भर्ती कराया, जिसकी आप एक तस्वीर देख सकते हैं। विकलांग होने के बावजूद भी बहन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। लेकिन अब हमारी सरकारों पर भी एक ये सवाल खड़ा होता है कि इतना मेहनत लगन से जब ये कार्य कर रही हैं, तो आप इनके मेहनताने को लेकर के क्या कर रहे हैं? पैसा भी आप समय से नहीं दे पा रहे हैं, वो भी अल्प मानदेय, और ऊपर से ना ही आप सम्मानजनक उनको पैसा दे रहे हैं, ना ही उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे रहे हैं। जबकि काम 1975 से इस विभाग में बहनें ये सब कर रही हैं और ये विभाग शुरुआत हुआ और आज तक इनका कुछ भी भला नहीं हुआ। तो क्यों इनकी सेवा नियमावलियों में सुधार नहीं होता, क्यों मानदेय की जगह वेतन लागू नहीं होते? ऐसे तमाम छोटे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के बहनें प्रदर्शन भी करती आ रही हैं, फिर भी कोई भी सरकारों ने ढंग से इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं, जिला जौनपुर है, तहसील इनका मड़ियाऊ है, थाना इनका बरसठी है, ब्लॉक इनका रामनगर है, सुपरवाइजर का नाम इनकी कुसुम सोनकर जी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम बिंदु देवी है, और यहां पर 5 कुपोषित जो बच्चे हैं उनका अस्पताल जौनपुर पुनर्वास के हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई है, और माता का नाम शर्मिला देवी है, बच्चे का नाम सुखी गौतम है, पुनर्वास हॉस्पिटल जौनपुर में एडमिट कराई गई और 14 दिन के लिए यहां पर अभी रहेंगे, और ताकि इस कुपोषित बच्चे के जो है स्थितियों में सुधार हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है, आपके प्रयासों से शायद नौनिहालों को एक नई दिशा मिलेगी, उनका एक बेहतर जीवन आगे के लिए होगा। आगे देख सकते हैं, उर्मिला बहन बुलंदशहर से आती हैं और उनके द्वारा अपने वहां से एक लेटर भेजा गया, जो कि 25 सितंबर को आप देख सकते, 25 अगस्त का लेटर है, सितंबर का नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी बुलंदशहर का है, और पहले भी ये लेटर देखा जा चुका, क्योंकि एक एक महीने लेटर कभी ऑल इंडिया लेट ही नहीं करता। तो ऐसे में, और ये लेटर किससे जुड़ा हुआ है, विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर प्राप्त किए जाने के संबंध में। मैंने पहले भी कहा था 25 सितंबर, 4 सितंबर तो हो गया, 25 सितंबर आज है, रविवार है, और आज विशेष कैंप लगेगा, जिसको भी अपना जो है आधार जो है स्वैच्छिक रूप से मतदाता निर्वाचक नामावली में जुड़वाना है, ऐड करना है, तो वो अपना फॉर्म 6B जो है वो सब भर सकता है, इसके लिए आज कैंप लगाया जाएगा। अब उर्मिला बहन है बुलंदशहर से, उनके द्वारा एक ये भी लेटर है, जो कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी का आप देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समस्त जिलों में भी भेजा गया, और आज सब जगह 25 सितंबर को रविवार के दिन विशेष कैंप यूपी में लगाए जाएंगे, विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जो नहीं भी देगा तो उसको भी क्या करना होगा, उसका भी ना तो कोई नाम वाम नहीं हटेगा, ये आप समझ लेना। ये सब चीजें हैं जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इधर बात करते हैं हेमंत सोरेन जी की, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने वहां एक ये ऑफिस से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 की स्वीकृति मिलने की खुशी और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आभार करने सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पहुंची आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें, और जैसा कि मैं पहले भी कल दिखा चुका हूं, बहनों ने खूब ढोल नगाड़े बजाए हैं और खूब जमकर के गुलाल भी खेला है, क्योंकि खुशी का ये माहौल है, लंबे संघर्ष के बाद में उनकी सेवा नियमावली बनना और साथ ही साथ जो है उनका मानदेय बढ़ना, और भी कई मुद्दे हैं, उन सब पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे मुख्यमंत्री जी ने और क्या क्या बहनों को देने की घोषणा वहां पर कर दी है, जो कि आर्टिकलों में निकल के बातें आ रही हैं, उस पर अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम इसमें, अब हम मध्य प्रदेश के बारे में भी जानकारी आपको देने वाले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ योगिता कावड़े बहन ने अपने वहां पोस्ट किया फेसबुक पर, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन दिनांक 22 सितंबर को भोपाल में सभी जिलों के द्वारा संगठन बैठक रखी गई थी, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। अभी वर्तमान में विभाग के द्वारा कार्यकर्ताओं को दूसरे विभाग में ड्यूटी लगाई जा रही है, इसका विरोध करके संगठन के द्वारा संचालनालय भोपाल अपर संचालक से मुलाकात करके अपनी समस्या को रखा गया है, और एक विभाग के अलावा दूसरे विभाग का कार्य करने से इनकार कर अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया गया। तो आप कह सकते हैं साफ शब्दों में कि गैर विभागीय कामों को लेकर के बहनों ने वहां पर संघर्ष छेड़ा है, और वो नहीं चाहती है कि उनको गैर विभागों के काम कराए जाए, यानी उनके मुख्य कामों के अतिरिक्त उनसे अलग से काम कराया जाए। तो ये तो बहुत जरूरी काम है, जो हर राज्यों में बहनों को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो आपका मेन काम है आप उसको करो, लेकिन यही नहीं, सरकारें क्या करती हैं, अपने अपने मनसा के अनुसार वो आपको अपने अकॉर्डिंग काम करवा रही हैं, और चूंकि वो काम आपके नहीं है फिर भी करवा रही हैं, और ऐसे कामों के आधार पर जो है जबरदस्ती भी कराया जा रहा है और सेवाएं भी समाप्त कर दी जाती हैं अगर उनमें काम
काम नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो कि गलत हैं और ये शोषण के दायरे में आती हैं और ये मानसिक शोषण है कार्यकर्ताओं का। इधर आप देख सकते हैं ये अपनी समस्या को वहां पर बहने बता रही है। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर वहीं से आई है। फोटो थोड़ी धुंधली थी लेकिन फिर भी आप यहां पर नोटिस कर पा रहे होंगे। और इधर यहां पर एक और फोटो आई है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे, एक ये भी बहन ने जो है वहां से फोटो भेजी है और इनके अलावा एक ये फोटो वहां से आई, इसमें काफी साफ आपको फोटो दिख रही होगी। तो इस तरह से कुछ बहनें हैं जो कि वहां पर संघर्ष कर रही हैं, ये कुछ फोटो हैं। और अब चलते हैं आगे और भी आपको जानकारियां देते हैं। जैसे कि आप लोग जो है अब देख सकते हैं यहां पर एक अगली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। अनीता देवी बहन है, बाराबंकी से आती है। उन्होंने ये एक जानकारी भेजी है कि गोवंश से खेत की सुरक्षा को कटीले तार लगाने पर प्रतिबंध। तो मैंने पहले भी आपको बताया है और अवगत भी करा चुके हैं हम कि जो है गोवंश वाली चीजों को लेकर की जो कटीले वटीले तार थे, इसका एक लेटर अभी हाल ही में आया था और उस सरकारी आदेश के आधार पर मैं चीजों पर डिस्कस पहले ही कर चुका हूं। तो आपको पहले भी पता हो गया होगा और नहीं तो अब आप सुन लीजिए। गोवंश के लिए सुरक्षा के लिए आप ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि कटीले तार लगाते हैं, ब्लेड वाले और वो वाले और एक दूसरे तरह के भी आते हैं। तो उन तरह में दोनों तरह पर रोक है और पूर्णतया रोक लगा दी गई है, मत समझना आंशिक रूप से रोक है, तो पूर्णतया रोक है। इसके बारे में चीजें हैं और आगे बाकी जो भी कार्रवाइयां हैं वो सब हम उसमें जो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक आर्टिकल आया, बाकी यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको ट्वीट कर दिया है। अभी ये देखिएगा, बीनू बहन है मेठी से आती हैं जिनके द्वारा ये फोटो भेजी गई है। आगे चलते हैं, कुछ और भी बहनों के बारे में आपको बताते हैं। अनीता यादव है जो रामपुर से आती है, वहां से उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। और सुधा बहन है सिद्धार्थनगर से आती है, वहां से एक फोटो भेजी गई। और इनके अलावा ये बहन है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती है, वहां से एक फोटो भेजी गई। इनके अलावा एक बहन है सुमन लता जो अमेठी से आती है, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। ये कुसुम रानी बहन है सीतापुर से आती है, वहां से एक फोटो भेजी गई है। और ये है उर्मिला जो कि कानपुर नगर से आती है, उनके द्वारा एक फोटो आई है। इनके अलावा ये है वंदना सिंह जो आजमगढ़ से आती है, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। ये है ज्योत्सना गुप्ता जो औरैया से आती है, वहां से एक फोटो भेजी गई है। इनके अलावा ये रुक्मेश्वरी बहन है जो कि अयोध्या से आती है, वहां से एक फोटो आई है। ये है फूल देवी जो बहराइच से आती है, उनके द्वारा एक फोटो आई है। इनके अलावा ये है शीला मिश्रा जो बाराबंकी से आती है। और इनके अलावा ये है रीता मौर्या जो कि अयोध्या से आती है। और भी आगे चलते हैं, ये हैं सविता बहन जो कि गोंडा से आती हैं। आप देख सकते हैं काफी आंगनबाड़ी बहनें यहां पर मौजूद रही हैं और पोषण मटके की भी एक फोटो उन्होंने बना करके भेजी है। इनके अलावा ये हैं सुनीता देवी जौनपुर से और उनके द्वारा एक फोटो आई है। इनके अलावा ये हैं कल्याणी देवी जो बलरामपुर से आती हैं, गोद भराई का कार्यक्रम यहां पर मनाया गया है। ये है ममता श्रीवास्तव जो कि गोंडा से आती हैं और वहां से भी बहनों ने एक ये फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये है ममता श्रीवास्तव गोंडा से एक ये फोटो। तो आप देख सकते हैं, एक बात कहना चाहूंगा सभी बहनों को कि फोटो को डबल डबल ना भेजा करें। जैसे मान लो आज आपने फोटो भेजी तो 24 घंटे के अंदर बस एक ही फोटो आप भेजें और एक बार ही भेजें। फोटो की मैं बात कर रहा हूं जैसे कि सेंटर वेंटर वाली, बाकी जो है क्योंकि कई बहनें क्या करती हैं सुबह दोपहर शाम तीन तीन बार फोटो भेजती हैं और फिर वो पूरा दिन वही फोटो लगानी पड़ती है। तो इसीलिए 24 घंटे में एक ही बार भेजो, बाकी जो सूचनाएं हैं आप उन्हें आप जो आती हैं उनको आप भेजते रहें, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप सुधार करेंगे तो थोड़ा कंटेंट में भी सुधार होगा और जरूरी जानकारियों पर ज्यादा फोकस हो पाएगा। तो आज का इस वीडियो को बहनों यहीं तक रखते हैं और अगले